पता है दोस्तों, विशाल हाथियों का अस्तित्व बहुत दूर यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका में काफी संख्या में था। सबसे ज्यादा मशहूर थे लंबे बाल वाले विशाल हाथी, जिनके अवशेष साइबेरिया के ठंडे इलाकों में आज भी पाए जाते हैं दोस्तों। तुम कितने समय पहले की बात कर रहे हो? वैज्ञानिकों की माने तो ये करीब 40,000 साल पहले की बात है। 40,000 साल पहले? तुम इतने यकीन से ये सब कैसे कह सकते हो? सुनियो, उनके डीएनए की रिपोर्ट ये साबित करती है, इसलिए मैं ये रिपोर्ट अपने साथ में लेकर आया हूँ। क्या तुम इस रिपोर्ट को अपनी आँखों से पढ़ना चाहोगे? रिपोर्ट झूठी भी नहीं हो सकती है। ये कोई ऐसे वैसे इंसान की रिपोर्ट नहीं है, समझे तुम? और तुमसे तो कोई भी उम्मीद करना बिल्कुल बेकार है नोबिता। नोबिता को ये सब दिखाने का कोई भी फायदा नहीं है दोस्तों, क्योंकि इसके पास कुछ नहीं है। मैं जाऊंगा और कुछ ढूंढ कर लाऊंगा, देख लेना। हाँ? अरे नोबिता, क्या तुम सच कह रहे हो? ये तुम क्या कह रहे हो नोबिता? डोरेमोन यार, तुम्हारी दोस्त की इज्जत का सवाल है, प्लीज कुछ कर दो। अब कर भी दो ना। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, समझे तुम? प्यारे नोबिता, चलो हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। अरे क्या हुआ, जल्दी करो नोबिता। मैं तो नहीं चल पाऊंगा, पर मैं एक गैजेट दे देता हूँ। टूर रोबोट नंबर टू। टूर रोबोट नंबर टू। देखो, ये रोबोट नंबर टू है, इसीलिए ये थोड़ा सा अलग है। हेलो मास्टर, कैसे हैं? मेरा नाम है गोंजा, आपका रोबोट नंबर टू। क्या हमें इस पर भरोसा करना चाहिए? क्या कहा तुम, ऐसे कैसे कह सकते हो? अरे शांत हो जाओ, देखो तुम्हें इनका ख्याल रखना है और इन्हें जहाँ जाना हो वहाँ ले जाना। समझ गया। तुम नहीं चलोगे दोस्त? मैं मीचान के साथ घूमने जा रहा हूँ और इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं नहीं आ पाऊँगा। Hey, हमारा ध्यान रखना, ठीक है? मैं ये काम बहुत समय से कर रहा हूँ, आप चिंता मत कीजिए। अच्छी बात है मेरे दोस्त। ये बताइए, आप कहाँ जाना चाहेंगे? हमें विशाल हाथी देखना है, बस कहीं भी ले जाओ। मैं आप सबको विशाल हाथी दिखाऊंगा, वो भी असली का। हो? असली का? Hey, क्या तुम बिल्कुल सच कह रहे हो? हाँ बिल्कुल, हम सचमुच वो हाथी लगती है। चलो ढूंढने चलते हैं 40,000 साल पहले की चीजें, जैसी मेरे घर में है। प्लीज हमें ले चलो गोंजा। चलो हम 40,000 साल पीछे चलते हैं। 40,000 साल पीछे? हाँ हाँ, 40,000 साल पीछे। मुझे लगता है विशाल हाथी यहाँ होगा। हाँ, विशाल हाथी को देखने की यात्रा में आपका स्वागत है, मैं हूँ आपका गाइड गोंजा इस यात्रा के। अरे गोंजा, तुम कितनी बातें करते हो, चलो हटो। ये कैसे अजीब बच्चे हैं। अरे लगता है हम किसी बर्फीली जगह में आ गए हैं। अब हम सही जगह पर जा रहे हैं। कितना अच्छा बसंत का मौसम है। हाँ शिजुका, तुम्हारी तरह अच्छा है। ओए विशाल हाथी, हम तुम्हें देखने आए हैं। हमें तुम पर पूरा भरोसा है। शुक्रिया। और आज का यात्रा कार्यक्रम है? हमें यात्रा कार्यक्रम बता के परेशान मत करो, हमें विशाल हाथी के पास ले चलो। अगर यहाँ विशाल हाथी का कोई अवशेष मुझे मिला तो मैं उसे घर ले जाऊंगा। हाँ और मैं भी। उसका दांत मिला तो मजा आ जाएगा। तुम यहाँ से अपने साथ कुछ भी नहीं लेकर जा सकते, समझे? क्या कहा, लेकिन क्यों? यहाँ का सबसे पहला नियम है कि आप यहाँ से कुछ भी नहीं ले जा सकते। कितने अजीब से बच्चे हैं ये। मैं असली के विशाल हाथी को देखने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। मैं भी, मुझे उसकी पीठ पर सवारी करनी है। कुछ भी लेकर नहीं जा सकते, बेकार है। हाँ मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। आपको ये 40,000 साल पुराने समय के कपड़े पहनने होंगे। क्या बात है मीजान, आज तो तुम बहुत अच्छी लग रही हो। नोबिता ठीक तो होगा ना? अरे नहीं नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। अब हम जा रहे हैं, हम आ रहे हैं हाथी को ढूंढने। वो दोनों तो अपने आप ही कहीं जा रहे हैं, हमारे साथ नहीं। वो जहाँ जा रहे हैं जाने दीजिए, आप दोनों बस मेरे साथ रहिए। बोलते रहो, मुझे तुम्हारी बातें सुनना अच्छा लग रहा है। क्या सच में? मुझे सुनकर खुशी हुई। आइए आइए, हम दोनों इस रास्ते पर चलते हैं। इसने ऐसा क्या कह दिया जो शिजुका को अच्छा लग रहा है? ये आवाज कैसी है? बहुत सारे जानवर आ रहे हैं।
बहुत आए थे। अरे गोंजा कहाँ चला गया? मैं यहाँ पर हूँ। हमने इन्हें ढूंढ लिया। हाँ जी आन, यहाँ पर हमें वो सब मिल जाएगा। अगर हम यहाँ से इसके अवशेषों में से छोटी सी भी चीज ले जाते हैं तो मजा आ जाएगा। हाँ सही कहा, लेकिन उसने तो हमें मना किया है। लेकिन छोटी मोटी चीज से फर्क नहीं पड़ेगा। हमें हाथी के आने से पहले ही ये निकालना होगा। हाँ। चलो मैं भी चलकर देखता हूँ कि वो लोग क्या कर रहे हैं। भागो! हमारी मदद करो! ठीक है। बस बस शांत हो जाओ, गुस्सा मत करो। जियाना सुनियो, क्या तुमने इसे परेशान किया था? तो आप सभी ने देखा यहाँ का विशाल भालू। कितना मजेदार है ये। हम यहाँ विशाल भालू नहीं, विशाल हाथी देखने आए हैं। कब मिलेंगे? हम जल्दी मिलने वाले हैं, ठीक है? अरे ये आवाज कैसी आ रही है? कितना बड़ा जानवरों का झुंड है। जानवरों का झुंड देखने के बाद हम अपने रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। मैं हूँ गोंजा, आपको लेकर जाऊंगा हर। अरे गोंजा इस तरफ आओ। ठीक है। अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? ये तो विशाल हाथी की आवाज है। हाँ? उस तरफ से आ रही है। हमें उस हाथी के बच्चे को जल्दी से बचाना होगा गोंजा। अब तुम ही कुछ करो। अब सुनो मेरी बात, हम उस हाथी के बच्चे को नहीं बचा सकते। हम भविष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अरे नहीं, मैं बचाऊंगा उसे। अरे नहीं, रुक जाइए। ध्यान से, मुझे पता था। मैं उसे नहीं बचा पा रहा हूँ। नोबिता, अब मुझे ही कुछ करना होगा। ये रहा मेरा हेल्पिंग हैंड, जाओ। कोई फायदा नहीं। प्लीज उसे बचाओ गोंजा, जल्दी से कुछ करो। मैं यहाँ पर सिर्फ दूसरी बार आया हूँ और पहले मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ है। लगता है ये जरूर उसकी माँ है। अरे वाह, तुम्हें ये करना ही होगा। घबराओ मत नोबिता, मैं आ गया हूँ। डोरेमोन प्लीज इस हाथी के बच्चे की जान बचाओ। हाँ तुम ही कर सकते हो। हाँ मैं कोशिश करता हूँ। अरे नहीं, भविष्य के साथ छेड़छाड़। मैजिक हैंड असिस्टेंस। जियान और मैं उसकी माँ को खींचेंगे। सुनियो तुम उसके बच्चे को खींचना, ठीक है ना? ठीक है। चलो सुनियो, बच्चे को किनारे तक लेकर जाओ। अच्छा ठीक है। हो गया। लेकिन भविष्य के साथ छेड़छाड़। मुझे लगता है मुझे थोड़ी और ताकत लगानी होगी। कौन सा, हमारी मदद करो। डोरेमोन जल्दी से कोई दूसरा गैजेट निकालो। कौन सा, तुम ही कुछ मदद करो। ये भविष्य के साथ छेड़छाड़ है, लेकिन ये रस्सी ले लो। जी हाँ लो। भविष्य पहले जैसा नहीं रहेगा, लेकिन कोई बात नहीं। Ha 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 ha!
अरे ये क्या हो गया? मैं उस समय की कोई भी चीज घर पर लेकर नहीं आ पाया, लेकिन मैंने हाथी की सवारी तो की। अरे ये तो खाली है, इसमें से तो सब कुछ गायब हो गया। क्या कहा सुनियो तुमने, क्या गायब हो गया बेटा? मम्मा वो इसके अंदर हाथी के दांत रखे थे। क्या वो गायब हो गए? लेकिन भला ऐसा हुआ कैसे? भविष्य पहले जैसा नहीं रहेगा, लेकिन कोई बात नहीं। जो हाथी का दांत मेरे घर में था वो शायद उन्हीं का था। डोरेमोन मुझे 40,000 साल पहले भेजो, मुझे मेरी चीजें वापस चाहिए।